वीडियो लेक्चर नंबर 4। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में जानते हैं। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई दो फॉर्म में करते हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके पास वेक्टर क्वांटिटी है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं। देखिए, ए वो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है बी है, और दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा है। तो अगर हमसे पूछेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, तो उसका मान होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, या फिर इसको सिंपल लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। और इसका डायरेक्शन होगा, इट हैज नो डायरेक्शन क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इससे हमें एक चीज़ तो फायदा हो गया कि अच्छा भाई हमको मैग्नीट्यूड निकालनी है, हमारा आंसर आ गया, डायरेक्शन का कोई झंझट तो है नहीं है इसमें। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए वेक्टर इज अलोंग ईस्ट एंड अनदर वेक्टर इज अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमको बनाना आता है, देखिए एक वो वेक्टर इधर है, देखिए ए एक एक लिखनी। अब उसके बाद जो है हम लिखते हैं एक ठो वेक्टर जो है इधर इसके तरफ, ठीक है ए, और दूसरा जो है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है कि वेक्टर ए डॉट बी का मान क्या होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, ए बी 1/2। अच्छा, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तब इसका मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 2। कोई दिक्कत, डॉट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पेस, स्पेस में क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब होता है कोई वेक्टर ए लिखा हुआ है और इसका मान रहेगा ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर है बी ठीक है। तो वेक्टर बी है तो हम इसका लिखते हैं बी एक्स आई बी एक्स दे और बी एक्स के लिखे, बी एक्स आई बी बाई दे बी डेट के। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। तो ये जानने से पहले एक चीज़ और जानते हैं कि वेक्टर आई डॉट आई का मान कितना होगा। आई आई क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो 1, और दोनों के बीच में डिग्री कितना है कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। उसी प्रकार से वेक्टर दे डॉट दे का मान 1 होगा और वेक्टर के डॉट के मतलब यूनिट वेक्टर के इसका मान भी 1 होगा। अब देखिए अगर हम करें आई
डॉट दे, दोनों के बीच में 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 होता है, और दे डॉट के इसका मान भी 0 होगा, और के डॉट आई इसका मान भी 0 होगा। इतना तो हम जानते हैं क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो आई देख लिखे तो 1 × 1 और कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होगा। ओके, अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको सबसे गुना करिए, फिर इसको सबसे गुना करिए, और फिर इसको सबसे गुना करिए। ओके, तो हम गुना करते हैं। देखिए, ए एक्स बी एक्स, फिर ए एक्स बी वाई। यहाँ पे क्या लिखे, कॉस 0, यहाँ पे कॉस 90 प्लस ए एक्स बी जेड, ये दोनों में भी कितना है, 90 डिग्री है। अब देखिए, अब ए बाई को गुना करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बाई बी एक्स 90 डिग्री, ए बाई बी बाई, फिर क्या लिखेंगे, ए जेड सॉरी ए बाई, इसका क्या लिखेंगे, ए बाई और बी जेड, और फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको सबसे गुना करते हैं, ए जेड बी एक्स प्लस ए दे, इसमें मेरे 90 डिग्री आ रहा है, ए जेड बी बाई, इसमें भी 90 डिग्री आएगा, ए जेड बी जेड। देखिए, जिसमें जिसमें 90 डिग्री होगा सबका मान 0 हो जाएगा, तो हमारा लास्ट मान कितना आएगा, ए एक्स बी एक्स, ए बाई बी बाई, ए जेड बी जेड। तो वेक्टर ए डॉट बी का मान हमको आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड। हमको याद यही रखना है क्योंकि जितना भी 90 डिग्री होना बात है, सब में सबका मान 0 होगा, और यहाँ पे इसका मान 0। ओके, उसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 4i माइनस 3j प्लस 2k। तो वेक्टर ए डॉट बी का मान क्या होगा, देखिए, ए एक्स बी एक्स 3 चक्का 12, ए बाई बी बाई माइनस 12, और ए डेड बी डेड 15 10, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। तो ए इसका मान 0 आ गया, इसका मान 10 आ गया। अब हमको सिर्फ डायरेक्शन मालूम हो गया, काफ़ी है हमको इसका डायरेक्शन मालूम नहीं हुआ, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम हो गया, काफ़ी है, इसका डायरेक्शन होता ही नहीं क्योंकि स्कैंडर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में डायरेक्शन के बारे में कभी सोचना भी नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, ए है वेक्टर ए और ए है वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो हमसे कोई पूछेगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी का मान कितना होगा, इसका मान होगा, इसमें ऐसे नहीं लिख सकते, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा, उसमें क्या था, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। अब इसका डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम करते हैं ए क्रॉस बी का मान, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ये हुआ वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे, अपने थंब को, अपने दो हाथ को यहाँ पर रखेंगे, है ना,
ये हुआ ए और ये हुआ बी। अब दोनों को जब हम करेंगे ए क्रॉस बी को गुना करेंगे तो किस तरह से करेंगे? ए क्रॉस बी तो इसका डायरेक्शन क्या, इसका कैसा होगा? ऊपर की तरफ। उसी तरह से अगर हमको बी क्रॉस ए करना होगा, देखिए ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो बी क्रॉस से ऐसे आएगा, उसका डायरेक्शन नीचे आएगा बी क्रॉस से। तो हम अगर हमको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना होगा, इसको हम सिंपल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमारा मान क्या क्या आएगा देखिए। अगर ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ, तो ए क्रॉस बी ऊपर चला आएगा और बी क्रॉस ए नीचे चला आएगा, दोनों उल्टा डायरेक्शन होगा। उसके लिए क्या करना है, जिस वेक्टर पर निकालना है वहाँ पे क्या रखेंगे, अपना हथेली रखेंगे, अपने वहाँ पे अपना अपना क्या करेंगे, तीन फिंगर, ठीक है। और उसके बाद हो जोटा है जिधर निकालना होगा उधर हम हाथ को घुमाएंगे, मूव द हैंड, मूव राइट हैंड। अगर फिर उसका अंगूठा जिधर आएगा, अंगूठा जिधर आएगा, थंब जिधर आएगा ना, उधर उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, डायरेक्शन के लिए जिस पॉइंट से निकालना हो वहाँ पे निटिन फिंगर, और जिधर निकालना होगा उधर हाथ को मूव करेंगे, और थंब जिधर आएगा वो उसका डायरेक्शन बताएगा, थंब गिव द डायरेक्शन। ओके, अब देखिए हमारा जो आया हमारा क्या है कि एक कोई वेक्टर ए है और एक कोई दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में हमको एंगल निकालना होगा। और दोनों के बीच हमको निकालना होगा क्या कहते हैं, तो देखिए वेक्टर इसका मान आएगा क्या, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, और हम अगर वेक्टर ए माइनस बी इधर होगा, और हमको वेक्टर ए क्रॉस बी करना होगा, चाहे वेक्टर हमको ये होगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी और ये होगा हमारा वेक्टर बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और ये आ गया हमारा बी क्रॉस ए। तो क्या हुआ, वेक्टर ए क्रॉस बी किससे किससे परपेंडिकुलर हुआ, ये वेक्टर ए से तो होगा ही, वेक्टर बी से भी होगा, ए प्लस बी से भी हो रहा है और ए माइनस बी से भी हो रहा है, क्योंकि वेक्टर ए प्लस बी या वेक्टर ए माइनस बी तो वेक्टर ए या बी के प्लेन में ही होगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए क्रॉस बी भी होगा और ए माइनस बी भी होगा। ये पॉइंट है, ये एक तरह का थ्योरी ही है और एक इसे कंसेप्ट मानिए। क्वेश्चन नंबर 11, ए वेक्टर इज अलोंग ईस्ट, अनदर वेक्टर इज अलोंग 60 डिग्री। देखिए एगो वेक्टर जो है अलोंग ईस्ट, यहाँ लिखे वेक्टर ए ईस्ट की तरफ है, अनदर वेक्टर जो है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री बना रहा है। अगर हम ऐसे करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री बना रहा है कोई वेक्टर बी,
तो वेक्टर ए क्रॉस बी हमको करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका मान कितना होगा, ए बी साइन थीटा, और साइन 60 का मान कितना होता है, रूट 3/2, इसका मान मान पुट कर देंगे, रूट 3/2 ए बी। डायरेक्शन पता करना होगा, तो डायरेक्शन ए क्रॉस बी ऊपर, अभी क्रॉस है नीचे, क्रॉस प्रोडक्ट इन स्पेस। तो स्पेस में इस कट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए ऐसा देखो, ए इक्वल टू एक्स आई प्लस ए बाई दे प्लस ए डेट के, और वेक्टर बी का मान दिया रहेगा बी एक्स आई प्लस बी बाई दे प्लस बी डेट के। तो हमको निकालना होगा वेक्टर ए क्रॉस बी, तो हमको इसका डायरेक्शन के साथ आएगा इसमें, देखिए तो पानी क्या करेंगे, आई लिखेंगे, आई लिख के फिर आई अपना सब ढाप देंगे, आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा ए बाई बी डेड माइनस ए डेड बी बाई, उसके माइनस डेड लिखेंगे, डे को कवर कर देंगे, फिर एक्स बी डेड माइनस ए डेड बी एक्स, उसके बाद क्या करेंगे प्लस के लिखेंगे और के को कवर कर देंगे, के को कवर करने से क्या होगा ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स, ये हमारा आ गया क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी स्पेस में। ओके, तो हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो देखिए इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, तो उसका निकालना होगा मैग्नीट्यूड, तो क्या कर देंगे सिंपल सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि एक 2i प्लस 1j माइनस 1k, अभी है 1i प्लस 1j प्लस 1k, तो वेक्टर a क्रॉस b का मान क्या होगा, तो इसको हम करेंगे वेक्टर a क्रॉस b का मान, तो क्या लिखेंगे अपन, i लिखें, i को कवर कर दिए और फिर क्या किए 1 into 1 माइनस, फिर क्या किया माइनस 1 इंटू दे माइनस 1 माइनस दे, उसके बाद दे को कवर कर दिए, उसके बाद हमारे क्या आएगा 2 into 1 3, उसके बाद क्या आएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस के, ऐसा क्या k को कवर कर दिए, k को कवर करने क्या होगा 2 into 1 2 माइनस 1 into 1 1, तो हमारा इसका मान कितना आ गया 2i माइनस 3d प्लस k। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा a क्रॉस b का, तो क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 × 4 3 × 9 1, इसका मान कितना आ गया रूट 14। अब एप्लीकेशन सबका पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का। देखिए तो किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल प्राप्त करने के लिए करते हैं, देखिए यहाँ पे हमको कोई भी वेक्टर लिखा हुआ रहेगा, देखिए इसको मिटाते हैं,
ये वेक्टर ए है और ये अनदर वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना आता है, ए बी कॉस थीटा, और इसका दूसरा मान क्या था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वेक्टर ए का मान लिखा हुआ रहेगा ए एक्स आई प्लस ए बाई दे प्लस ए डेड के, और वेक्टर बी का मान लिखा हुआ रहेगा हमारे पास बी एक्स आई प्लस बी बाई दे प्लस बी डेड के। तो पूछेगा दोनों के बीच एंगल क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए डेड बी डेड। अब इसी तरह से हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा ए बी से भागा दे देंगे, नहीं है आप देखो क्या, तो हमारा जो कॉस थीटा जो आएगा वो सिंपल सा ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए डेड बी डेड डिवाइड बाई ए बी। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए के बीच का कितना है, थ्री आई प्लस फोर दे प्लस फाइव के, वेक्टर बी दिया हुआ है फोर आई प्लस थ्री दे माइनस फाइव के, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। तो निकालते हैं वेक्टर ए डॉट बी करते हैं, तो हमारा मान कितना आएगा, वेक्टर ए बी कॉस थीटा। अब देखिए तीन चारटिया बारह और यहाँ पे भी चारटिया बारह, थ्री आई माइनस पच्चीस माइनस ट्वेंटी फाइव, हमारा इसका मान कितना आ गया, चौबीस माइनस पच्चीस। ओके तो हमारा इसका मान कितना आ गया वन माइनस में, और हमारा ए अभी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तीन तीन नौ चार चार सोलह पच्चीस, तो नौ सोलह पच्चीस कितना हो गया पचास, और पचास का रूट फाइव रूट टू और फाइव रूट टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो कितना आ गया फाइव रूट टू और फाइव रूट टू, ये हमारा आ गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान हमारा कितना आ जाएगा, माइनस वन डिवाइड बाई पच्चीस पच्चीस और पच्चीस दोनों पचास पचास, तो हमारा थीटा का मान कितना होगा, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई फिफ्टी, हमारा आंसर इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा यूज है कि जो टाइप कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर, ये बोर्ड है वेक्टर परपेंडिकुलर, अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका जो टाइप कोऑर्डिनेट प्राप्त करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे दिया हुआ रहेगा वेक्टर ए का मान दिया हुआ रहेगा ए एक्स आई प्लस ए बाई दे प्लस ए डेड के, और वेक्टर बी का मान दिया हुआ रहेगा बी एक्स आई प्लस बी बाई दे प्लस बी डेड के। तो कहेगा कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो आपको निकालना होगा किसी का मान निकालना होगा, तो सिंपली हम कर देंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए डेड बी डेड, इसका मान था ए बी कॉस नब्बे और कॉस नब्बे का मान जीरो,
इसका मान 0 के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या दिया, वेक्टर ए का मान दिया 5i + 7j - 3k, इसका दिया 2i + 2j - 6k, तो दोनों क्या भाई इन द वैल्यू ऑफ ए इफ ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। क्या करेंगे, 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 है इज इक्वल टू 0, तो 3a का मान कितना आएगा 10 + 14 = 24, जैसे आएगा तो -24, और a का मान कितना होगा 3×8 = 24 - 8। अब क्रॉस प्रोडक्ट का यूज देखते हैं, ये इसका यूज क्या ट्रायंगल का एरिया निकालने में होता है। देखिए जैसे कि हमारे पास कोई भी दिया हो रहेगा, जैसे कि ये हुआ ट्रायंगल, ये हुआ वेक्टर a और दूसरा हुआ हमारा वेक्टर बी, ओके नहीं अगर इसका मान दिया रहेगा वेक्टर, देखिए अगर कोई वेक्टर ए लिखा रहेगा और ये वेक्टर बी लिखा हो रहेगा और दोनों के बीच में एंगल रहेगा थीटा, तो हमको पूछेगा कि दोनों के बीच का एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, तो क्या होता हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी सिंपल ही कर देंगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, हमारे फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मेड ऑफ ऑफ द 2i + i j - देखिए यहाँ पे क्या दिया वेक्टर 2 1 - 1 और दूसरा दिया हुआ क्या 1 1 1, तो हमको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको आधा कर देंगे तो हमको ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आई लिखें, तो आई को कवर कर, आई को कवर कीजिए, तो हमारा कितना आएगा करिएगा तो 1 × 1 और -1, उसी तरह से माइनस दे लिखिएगा, तो दे को कवर करिएगा और इसको हटा दीजिए, फिर अब दे को कवर किए, तो देखिए तो अब ऐसे करने से क्या होगा 2 × 1 = 2 - और 1 × -1 - 1 प्लस के, अब क्या करेंगे k को कवर कर देंगे और देखो देखिए तो 2 × 1 = 2 और -1, इसका मान कितना देगा 1 + -1 - हो गया था 2i और इसका कितना होगा -3 दे 2 + 1 = 3 और -1 है यहाँ पर 2 - 1 + 1 के, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे 2² + 3² + 1² / 2, कितना आ गया 3 × 9 = 2 × 4 = 9 × 4 = 13 × 1 = 14, तो √14/2। क्वेश्चन नंबर, अब इसका यूज दूसरा रहा है, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए ये हुआ हमारा दो गो वेक्टर हुआ, अब वेक्टर का हमको निकालना होगा एरिया, तो देखिए माने कि ये पैरेललोग्राम है,
और पैरोग्राम का हमको एरिया निकालना होगा। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास दो डायगोनल भी होगा, मानते हैं ये इसका साइड ए है, इसका साइड बी है, इसका डायगोनल डी वन है और इसका डायगोनल डी टू है। तो एरिया पैरोग्राम जो होता है ए क्रॉस बी या फिर हाफ इंटू डी वन क्रॉस डी टू, इसका दोनों होता है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरोग्राम जो दिया हुआ है टू आई माइनस दे प्लस वन के और थ्री आई प्लस टू दे माइनस वन के, फाइंड द एरिया ऑफ पैरोग्राम। यहाँ क्या करेंगे, ए क्रॉस बी कर देंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबका डिटरमिनेंट लिखते हैं, टू माइनस वन वन, थ्री टू माइनस वन। अब देखिए, अब जब यहाँ पे आई लिखेंगे तो आई को कवर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन वन, माइनस वन इंटू टू टू माइनस दे, जे को कवर कर दिए, टू इंटू माइनस वन माइनस टू। अब हम टू इंटू माइनस, अभी वन इंटू थ्री थ्री प्लस के, तो के को कवर कर दिए, दो दूनी चार माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, नंबर मान कितना गया, वन वन माइनस टू माइनस वन आई, ये कितना हो गया, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, यहाँ हो जाएगा प्लस फाइव दे, और यहाँ पे कितना होगा, फोर माइनस माइनस कितना होगा, सेवन के। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकालेंगे, वन का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, इसी तरह से वन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर, और इसको सबको ऐड कर देंगे, रूट सेवेंटी फाइव आएगा हमारा, फाइव रूट थ्री। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ ए पैरोग्राम इज गिवन एट द थ्री आई प्लस वन दे माइनस टू के एंड वेक्टर बी वन आई माइनस थ्री दे प्लस फोर के, तो एरिया ऑफ पैरोग्राम क्या होगा। तो देखो डायगोनल दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, हाफ डी वन क्रॉस डी टू, तो हम इसका क्या लिखते हैं, थ्री वन माइनस टू वन माइनस थ्री और फोर। अब हम लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी, चाहे डी वन क्रॉस डी टू डिवाइड बाई टू कर देंगे, इसमें यहाँ पे डी वन है तो डी वन और डी टू का क्रॉस डिवाइड बाई टू। तो इसको देखिए, आई लिखें, आई को कवर करेंगे तो फोर इंटू वन फोर, फिर माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, और उसके बाद लिखते हैं माइनस दे। तो अब दे को कवर करने की बारी आएगी, थ्री फोर दा टू एंड माइनस माइनस टू इंटू वन माइनस टू, और फिर लिखेंगे प्लस के, तो प्लस के, तो के को कवर करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नौ, और फिर वन इंटू वन वन, तो हमारा इसका मान कितना आ गया, माइनस टू आई, यहाँ पे कितना गया, फोर्टीन, तो माइनस फोर्टीन दे, और इसका कितना गया, माइनस टेन के। अब इसका हमको चाहे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डिवाइड बाय टू कर देंगे, है ना, तो हमारा इसका आ जाएगा डायगोनल से एरिया। तो इसका देखिए, दो दूनी चार, उसके बाद फोर्टीन इंटू फोर्टीन, तो फोर्टीन का स्क्वायर कितना होता है,
196 और 10 का स्क्वायर 100। तो देखिए 196 प्लस 100 कीजिए, 196 प्लस 100 इसका मान आ जाएगा 312 का रूट डिवाइड बाय 2। ये हमारा आंसर आ गया किसी भी पैनोग्राम का। अब हमारा आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वैल्यू इफ बोथ द वेक्टर आर पैरेलल। देखिए अगर हमें दिया हुआ रहेगा वेक्टर ए का मान दिया हुआ रहेगा एक्स आई ए बाई दे प्लस ए डेट के, और वेक्टर बी का मान दिया रहेगा बी एक्स आई प्लस बी बाई दे प्लस पी डेट के। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मान हमारा क्या होता है, आई ए बाई बी डेट माइनस ए डेट बी बाई माइनस दे देखो कर कट ए एक्स बी डेट माइनस ए डेट बी एक्स प्लस के, के को कवर करेंगे ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स। और ये पैरेलल होगा तो हम कितना क्या जानते हैं ए बी साइन जीरो जीरो होगा और इसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो सबका मान जीरो कब होगा, जब हम सबका मान जीरो पुट करेंगे, और सबका मान जीरो पुट करेंगे तभी हमारा ये जीरो हो सकता है। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए यहाँ दिया वेक्टर ए 3i प्लस 1j माइनस 4k, और वेक्टर बी दिया हुआ 5i माइनस 2j प्लस 8k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखिए तो हम i का मान पुट करेंगे, क्या करेंगे i को कवर कर दिए, इसका मान कितना होगा 1 × 8। पर इसको डिटर्मिनेंट कितना रूप में लिखते हैं 3 1 − 4, ताकि हमको करने में आसानी हो, 5 − 2 और 8 इतना ही ना। देखिए इसको कवर किए तो 1 × 8 8 माइनस माइनस 2 × −4 माइनस 8 प्लस 8 होगा, हाँ माइनस माइनस कट गया माइनस दे दे को कवर करेंगे 8 × 3 = 24 माइनस और माइनस 4 × 5 माइनस 4 × 5 प्लस के, तो के को कवर करेंगे माइनस 2 × 3 माइनस 6 और माइनस 5। इसका मान कितना आ गया 69 माइनस दे 8 × 8 जीरो ही होना वाला है, हाँ इसका मान इतना ही होगा। आठ तो हाँ यहाँ प्लस कितना, सॉरी इसका मान जीरो आई होगा ही। देखिए ये प्लस 8 हो गया था, अब देखिए इसका 8 × 8 गया जीरो आई, ऐसा ये हो गया। अब देखिए इसका देखिए 24 + 4 = 5 प्लस के माइनस 6 − 5 = 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है। देखिए 24 + 4 = 5 का मान जीरो पुट करते हैं तो 4 × 5 का मान कितना होगा 24/4 है ना 24, और 5 का मान कितना होगा
चार का चार चार नहीं आठ चार चार का चौबीस। ओके तो हमारा इसका मान कितना आ गया माइनस सिक्स, तो हमारा फाइव का मान माइनस सिक्स आएगा। तो हम इतना गुना भाग किए तो हमारा आंसर आया। इसका शॉर्टकट देखिए, अगर वेक्टर अगर हमारा हमें दिया हुआ रहेगा वेक्टर ए का मान ए एक्स आई प्लस ए बाई दे प्लस ए डेट के, और वेक्टर बी का मान लिखा हुआ रहेगा बी एक्स आई प्लस बी बाई दे प्लस पी डेट के, और हमको कहेगा कि वेक्टर ए जो होता है पैरेलल है वेक्टर बी का। तो क्या कर देंगे सिंपल सा, एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी बाई इज इक्वल टू ए डेड बाई बी डेड। इसे करके देखते हैं, देखिए थ्री बाई फाइव फिर क्या है वन बाई माइनस टू और फिर क्या है माइनस फोर बाई एट। ओके अगर किसी को भी किसे कंप्यूट करेंगे तो हमारा मान कितना देगा फाइव का मान माइनस सिक्स, और इससे भी गुना भाग किए थे इतना कि सबको आई फिर जो टा है उसको डिटर्मिनेंट लिए थे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे तो उससे भी आएगा। तो बोर्ड में हम ऐसे ही बनाना है, अगर नीट चाहे जेई मेन में आएगा तो सीधे ट्रिक से एक्स बाई बी एक्स इजिकल टू ए बाई बी बाई इजिकल टू ए डेट बाई बी डेट करके उसको इक्वेट कर देंगे। थैंक यू।